हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में कर्सिव कैलीग्राफी सीखने के लिए जो बेसिक आकारों की आवश्यकता होती है वो सीखे हमने। आज हम ये वीडियो में कर्सिव कैलीग्राफी के लेटर सीखेंगे। अभी हम लेटर्स के एंगल किस तरह से होने चाहिए वो जानेंगे। ये स्क्वायर है, इसमें यहाँ पे 45 का एंगल होना चाहिए, यहाँ पे 90 का एंगल होना चाहिए, ये 0 का एंगल। हमारे कटनिप का एंगल यह होना चाहिए इस तरह से, लेटर ए और ये लेटर की हाइट और ये है 45 का एंगल। 1, 2, 3, 4, 5 5 nips, ये लेटर की हाइट हो गई। और नीचे 4 टाइम्स, 1, 2, 3, 4 उसके ऊपर 4 टाइम्स, 1, 2, 3, 4 अब देखते हैं लेटर्स का प्रोपोर्शन क्या होना चाहिए। लेटर ए बी लेटर ऊपर वाली लाइन को टच करता है, एफ लेटर जो ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों लाइनों को टच करता है। लेटर की हाइट की ये ऊपर वाली जो लाइन है उसे वेस्ट लाइन कहते हैं और नीचे वाली लाइन को बेस लाइन कहते हैं। सबसे ऊपर वाली लाइन को असेंडर लाइन कहते हैं और सबसे नीचे वाली लाइन को डिसेंडर लाइन कहते हैं। और ये लेटर की हाइट। ये 90 का एंगल है और ये 85 का, यानी लेटर 5% का स्लांट होना चाहिए। इतना स्लांट होना चाहिए। अब हम कैलीग्राफी करने की तरफ आगे बढ़ेंगे। आपका टाइम वेस्ट ना हो इसीलिए 5% स्लांट पेंसिल से लाइंस मार्किंग करके रखे हैं। आप भी इसी तरह से मार्किंग करके कैलीग्राफी करने शुरू कीजिए। अभी हम इंग्लिश अल्फाबेट सीखते हैं। देखिए बी सी डी F, थोड़ा सा रिदम होना चाहिए उसमें।
एच जे के एल एम N O P Q R S इसको थोड़ा ज़्यादा शेप सुंदर है पी यू V W X Y Z अभी हमने अल्फाबेट सीखे एबीसीडी सीखी अभी नंबर सीखते हैं 1 2 3 4 तो देखिए ये ऐसे होते हैं Three, four,
फिक्स सेवन एट नाइन जीरो ये हो गए नंबर्स। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें। शिरलेची कैलीग्राफी चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल बटन दबाइए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।